राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था, लेकिन अब ये अपराधों की राजधानी हो गया। पिछले दिनों एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा जयपुर में गैंगरेप और फिर भीलवाड़ा में एक तहसीलदार महिला तहसीलदार के साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग और उसके बाद कल रात की घटना गंभीर है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कई सवाल राजस्थान के पुलिस प्रशासन और सरकार पर खड़े करती है। जी हां, सांसद भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर कल मध्य रात्रि पर जो हमला हुआ और अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि पिछले कई दिनों से सांसद महोदया क्षेत्र के दौरे पर हैं, उसने सीएचसी की अव्यवस्थाओं को उजागर किया, सरकार की टेस्टिंग बंद होने के मुद्दे को उजागर किया और कल भी जब सीएचसी के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी तो वापसी में बदमाशों ने ईंट और सरिये से उनकी गाड़ी पर हमला किया, वो अवसाद में है। मुझे है कि राजस्थान पुलिस की पंचलाइन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये ध्येय वाक्य बदल गया। अपराधियों में विश्वास है, उनके हौसले बढ़े और आमजन सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी अब राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।